What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. अपने हाथ में है हेलमेट एंड अभी टाइम हुआ है 2:46 एंड बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ. आई नो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट अपनी चैनल पे व्लॉग कंटिन्यूसली आ रहे वो इम्पोर्टेंट है. एंड फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अपनी बीस्ट. तो टन टन एंड हियर इज योर बीस्ट. एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो हालत हद से ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मिरर्स भी ऐसे हैं, प्लस सीट अब गंदी देख लीजिए कितनी है, कुछ गिरा हुआ भी है. बाइक की हालत है बहुत ही ज़्यादा गंदी. तो इसके लिए अपने को 2-3 चीज़ें करवानी है, वो जाएंगे. एंड मेरी 1-2 मीटिंग्स है, वो भी मीटिंग्स भी ख़त्म करेंगे. एंड सुबह सुबह तक हद से ज़्यादा बारिश हो रही थी तो निकलने का मन नहीं था. एंड एज यू कैन सी नाउ बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, धूप निकल चुकी है फाइनली. तो निकलते हैं घर से एंड डायरेक्टली मिलता हूँ मैं आप लोगों को मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे. सो बाइक कर देते हैं ऑन. आई नो फ्यूल बहुत ही ज़्यादा कम है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं पिछले कुछ दिनों से था नहीं अहमदाबाद में एंड वही सब रीज़न थे. तो आफ्टर चेंज लेने चेंज लियो 485 किलोमीटर्स चल चुकी है अपनी बाइक. तो पहले कर देते भाई साहब क्या बेस आ रहा है, भाई साहब देख रहे हो इसका फ्लो इतना के सामने पूरा. सो मेरे को करवाना था फ्यूलिंग, तो मैंने यहाँ पे बाइक में फ्यूलिंग करवा लिया एंड साथ में दोनों बाइक के टायर्स जो थे उसका एयर प्रेशर भी करवा दिया. तो नाउ वी आर रेडी टू गो. एंड वो भैया थैंक यू सो मच हमको साइड देने के लिए, बट नो हम लोग धीरे से ही चलाएंगे क्योंकि अहमदाबाद के रोड्स अभी इतने सेफ नहीं हैं क्योंकि बहुत लोग बहुत गंदी तरीके से चला रहे हैं. एंड रिसेंटली कुछ मेरे फ्रेंड्स का एक्सीडेंट हुआ है, तो आई एम नॉट लाइक वेरी फैन ऑफ स्पीड, बट अभी जाना है मेरे को. सबसे पहले मेरा एक मीटिंग ख़त्म करने के लिए एंड मीटिंग के बाद मेरे को जाना है KTM के सर्विस सेंटर जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे बाइक में चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब करवाना है क्योंकि आफ्टर सर्विस एंड एवरीथिंग 550 किलोमीटर जैसा कुछ चल गया, 500-550 के बीच में. तो एवरी 500 किलोमीटर्स में चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब करवा लेता हूँ. तो लेट्स लीव फ्रॉम हियर एंड चलते अपनी मीटिंग ख़त्म करने के लिए. सबसे पहले मैं पहुंच गया हूं अभी नमस्ते सर्कल साइड, लाइक सिटी में है एंड ये पूरा सिटी एरिया है. यहाँ पे आप लोगों को मेजरली यहाँ से जो नमस्ते सर्कल है यहाँ से राजस्थान के लिए मेनली बसेस मिलती है अहमदाबाद से जाने के लिए. दीदी बीच में आना है क्या, उड़ जाओगी. तो हाँ अभी मेरे को यहाँ पे करनी है एक मीटिंग एंड मीटिंग है मेरे फ्यूचर इवेंट्स के लिए एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए. तो यहाँ पे आगे लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्डिंग है, आई डोंट नो बिल्डिंग का नाम और क्या है. तो मुझे वहाँ पे जाना है एंड मीटिंग थोड़े टाइम तक चलेगी, तो देखते हैं मीटिंग कब ख़त्म होगी. एंड सबसे मेन चीज़ है कि मेरे को आज जाना है KTM का सर्विस सेंटर. अगर मैं आज नहीं गया तो समझ लो 2-3 दिन रह ही जाएगा क्योंकि मैं बैक टू बैक मेरी मीटिंग्स एंड मैं बहुत बिजी हूँ एंड बाइक पे अपने को नॉर्मल स्क्रैच भी पसंद नहीं है. तो यस मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे एंड एक बार मीटिंग ख़त्म करता हूँ, मीटिंग ख़त्म करके आप लोगों से मिलता हूँ. बारिश हो गई है चालू और आई डोंट थिंक फिल्टरने का कुछ मतलब है. तो लेट्स लीव फ्रॉम हियर. मस्त बारिश आ रही है अभी तो एंड बाइक भी पूरी गीली गीली हो गई है. एंड यस दैट्स रोल आउट फ्रॉम हियर. गीले में गीले होने में तो मज़ा है. सो अपनी मीटिंग रही अच्छी एंड 1-1.5 घंटा जैसा लग गया. एंड भाई सब बारिश इतनी ज़्यादा कैसे हो गया आई डोंट नो. एंड
मैं यार मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं आजकल कुछ कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ, लाइक एंड 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 फाइनली फाइनली, ऐसे कुछ दो तीन वर्ड्स है जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। एंड कमेंट सेक्शन में भी लोग बोलते हैं कि भाई आप एक ही वर्ड बार बार क्यों बोलते हो, तो वो चीज़ है। बट अभी देखते हैं इसके बारे में कुछ अपने सॉल्यूशन निकालेंगे, और आपके पास कुछ सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड सॉरी वापस मैं भूल गया वही चीज़। बाकी आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन हो गोप्रो के लिए वाटरप्रूफ बनाने के लिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एज गोप्रो वाटरप्रूफ तो आता है, बट अगर बारिश के सीज़न में आप लोगों को करना मतलब वाटर व्लॉगिंग करना हो तो आप लोगों को सिर्फ गोप्रो में बैकग्राउंड वॉइस ही देना पड़ेगा। ना तो आप माइक अटैच कर सकते हो, ना तो मीडिया मोड, ना तो कुछ और। अगर आप करेंगे तो फिर आपके गोप्रो में वाटरप्रूफिंग नहीं रहेगा। एंड उसके लिए आपके पास कोई इलाज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो भी बारिश थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो आई डोंट वांट कि भाई गोप्रो ख़राब हो जाए ना, आप लोगों को क्लिप्स देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं पहुँचता हूँ KTM के सर्विस सेंटर और वहीं पे जाके आप लोगों से मिलता हूँ। काफ़ी मशक्कतों के बाद एंड बारिश ख़त्म होने के बाद अभी पहुँच चुके अपने लाल दरवाजा पे, एंड आगे ही है सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे चलना है। एंड और एक चीज़ थी कि भाई बाइक में पता नहीं कुछ आवाज़ आ रही है, तो मुझे उसके बारे में भी बताना पड़ेगा मितुल भाई को। अपने पर्सनल एडवाइज़र बन चुके अभी तो वो बाइक के लिए, कुछ भी हो मितुल भाई को कॉल करके बोल दो, सब आ जाता है। तो यस, हियर वी रीच एट KTM। कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। चेन क्लीन, चेन ल्यूब, और ये वापस यहाँ से वो आवाज़ आने लगेगी, ठीक है ना सर? अभी सर आमिर भाई तो पहुँच गए। सो बाइक हो चुकी है अपनी रेडी, एंड चलिए। थैंक यू सर, मिलते हैं वापस, ठीक है ना? चलो तो बाइक, हाँ डन, बाइक हो गई है वॉश अपनी अच्छे से, एंड चेन सर्विस हो गई है, चेन क्लीन, चेन सर्विस हुई है। यहाँ से कुछ आगे से आवाज़ आ रहा था वो भी हो गया ठीक, एंड ये रहा अपना गेट पास। वहाँ से निकलने के बाद अभी मैंने सोचा कि भाई साहब बारिश का मौसम है एंड इतना अच्छा वेदर है तो कहीं पे जाना चाहिए। एंड अहमदाबाद की सबसे फेमस प्लेस है रिवर फ्रंट, तो एंड बारिश के मौसम में ये ज़्यादा अच्छी भी लगती है। तो मैं आ गया हूँ रिवर फ्रंट पे, एंड हम लोग जहाँ पे रेगुलर बैठते हैं वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। अगर कोई होगा तो ठीक है, अगर ना अपने अकेले थोड़ी देर बैठेंगे एंड फिर वहाँ से निकल जाएंगे। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो डू विज़िट रिवर फ्रंट पार्क एंड फ्लावर शो, और दो तीन चीज़ें हैं वो लोग आप प्लीज़ मस्ट विज़िट कीजिएगा अहमदाबाद में। तो बस बाइक ऊपर लगाता हूँ एंड मिलते हैं। तो फाइनली पहुँच गए रिवर फ्रंट, एंड पब्लिक तो बैठी है भाई आज, एंड यहाँ पे शॉर्ट्स पीन के लिए आया था, एंड देखना था मेजरली कि कितना हुआ है काम, और भाई ने ये सीट खुली छोड़ दी है, ठीक से लॉक करना पड़ेगा इसको, तो लॉक कर देते भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, बट ये जो खटर पटर कर रहा था इसी चीज़ का आ रहा था और कुछ नहीं। भाई बारिश हो चुकी है चालू, एंड वेलकम बैक द वाइट वुल्फ, एंड प्राउडली 2.5 साल चलाने के बाद आई कैन से व्हाट अ बाइक, व्हाट अ बाइक, व्हाट अ मशीन। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने अभी यहाँ पे फ्री बैठे बैठे यहाँ पे सारे ग्राफिक्स निकाल दिए हैं, इस साइड के भी एंड ये साइड के भी,
आप लोग देख सकते हो क्लियरली। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इट इज़ लुकिंग। एंड एक बार मैं सिर्फ बैग पहन लेता हूँ क्योंकि बारिश चालू हो चुकी है एंड आई नो बैग इज़ वाटरप्रूफ, बट पहन लेना ज़रूरी है। एक दो फोटो खींच लेते हैं एंड लेट्स लीव फ्रॉम हियर। सो निकल चुके अपने घर की तरफ एंड बारिश का मौसम है तो राइड बनती है बट बहुत ही रिस्की हो जाता है, तो प्लीज़ राइड सेफ। एंड आज का व्लॉग जो है वो अपन यहीं तक रखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत लंबा हो जाएगा एंड आई डोंट वॉन्ट दैट कि इतना लंबा मैं कर दूँ। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पुराने हो तो आप लोगों को ड्रिल पता ही है। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए व्लॉग में, डलन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग। साइनिंग ऑफ दिशांत।